हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, अभी हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे। थोड़े दिन हमको डिस्टर्बेंस हो गया था क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्लांट किंगडम। तो बेटा, प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम एक किंगडम है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि टोटल किंगडम 5 होते हैं एंड 5 किंगडम कॉन्सेप्ट गिवन बाय आरएच विटेकर। तो बच्चों, 5 किंगडम में से ये हमारा 4th किंगडम होता है, प्लांट किंगडम। अगर बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में डिविजन आते हैं 5। कितने डिविजन आएंगे? 5 डिविजन आएंगे। पहला एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइट, थर्ड टेरिडोफाइट, फोर जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। तो टोटल अपने कितने डिवीजन होते हैं? डिवीजन, अब आप कहेंगे मैम डिवीजन क्या होता है? बेटा, बात करें अगर फाइलम की, हम मैंने बताया था तुम्हें किंगडम देन फाइलम, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो अगर मैं बात करूं फाइलम की, तो अगर प्लांट के केसेस में बात करें तो फाइलम को ही हम लोग क्या कह देते हैं? डिवीजन कह देते हैं। तो दीज आर 5 डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। अब बेटा बात करें इन पांचों को, बहुत सारी बेसिस है, बेसिस मतलब आधार हैं, जिनके आधार पर इन पांचों को अलग किया गया है। क्यों हम एल्गी को एल्गी बोलते हैं? क्यों हम ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट बोलते हैं? एल्गी को ब्रायोफाइट क्यों नहीं बोल देते? इसके लिए कुछ आधार है जिसके आधार पर हमने अलग किया कि एल्गी को एल्गी बोलते हैं, ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को टेरिडोफाइट। तो अब हम देखेंगे कि वो आधार कौन से हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन। बच्चों, सीड फॉर्मेशन के आधार पर कितने प्रकार के डिवीजन बनाए गए हैं? 2 प्रकार के डिवीजन बनाए गए हैं। एक होता है क्रिप्टोगेमस, एक होता है फैनरोगेमस। एक होता है क्रिप्टोगेमस और दूसरा होता है फैनरोगेमस। अगर बात करें बच्चों क्रिप्टोगेमस की, तो क्रिप्टोगेमस क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। क्या होते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अगर बच्चों बात करें फैनरोगेमस की, तो फैनरोगेमस क्या होते हैं? मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पेलिंग तुम लोग चेक किया करो, मेरा स्पेलिंग हैंड वैसे भी बहुत खराब है। फैनरोगेमस, ठीक है। फैनरोगेमस क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। क्या होता है बच्चों? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अगर बात करें किसकी? क्रिप्टोगेमस की। क्रिप्टोगेमस होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, फैनरोगेमस होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। क्रिप्टोगेमस की बात करें तो क्रिप्टोगेमस में आते हैं अपने एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अगर बात करें सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की, तो इसमें आते हैं अपने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
अगर बेटा बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनते हैं, बट कैसे सीड बनते हैं? नेक्ड सीड बनते हैं, मतलब सीड नेक्ड होते हैं, ढके हुए नहीं होते। ढके हुए मतलब कैसे? किसी वहां पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवरी नहीं होगी, इसीलिए जो सीड है वो विदाउट ओवरी होते हैं। कैसे सीड मिलेंगे आपको? नेक्ड सीड मिलेंगे, नेक्ड सीड। और बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं? सीड कवर्ड बाय फ्रूट, सीड कवर्ड बाय फ्रूट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे भी इनको अलग किया गया है। हैबिटेट के बेसिस पे भी प्लांट्स के दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है एक्वाटिक और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल। बेटा बात करें एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक में आपको आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो बाकी के तीनों यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों किस में आ जाएंगे आपके? ये तीनों आ जाएंगे आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। तो बेटा इस तरीके से आपको दो बेसिस मैंने बताए हैं। और बात करें तो और तीसरा बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैस्क्यूलर बंडल। बेटा वैस्क्यूलर बंडल किस में होंगे? एक तो होते हैं जिनके पास नहीं होते, नॉन वैस्क्यूलर प्लांट, वैस्क्यूलर प्लांट, और दूसरे होते हैं वैस्क्यूलर प्लांट। बेटा बात करें नॉन वैस्क्यूलर प्लांट की, तो इसमें आते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अगर बात करें वैस्क्यूलर प्लांट की, तो इसमें आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो एंड एंजियोस्पर्म। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, टेरिडोफाइट, एंड फर्स्ट वैस्क्यूलर प्लांट भी कौन से हैं, टेरिडोफाइट। आगे बात करते हैं, तो ये तो हमने देखे चार बेसिस, क्लियर है। आगे अगर बात करें तो इनको हम दो एक बेस और भी बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, बेसिस ऑफ देयर बॉडी। बॉडी के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं थैलस। थैलस क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, और एक होती है डिफरेंशिएटेड बॉडी, डिफरेंशिएटेड बॉडी। अब बेटा थैलस की बात करें तो थैलस कौन कौन से होंगे? वही सेम एल्गी एंड ब्रायोफाइट जो है, इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, रूट स्टेम और लीफ इनमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। अगर बात करें डिफरेंशिएटेड बॉडी की, तो फिर से आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो बेसिस है वो समझ में आ गए होंगे, तो मुझे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो अब हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।